Everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. दिस इज वर्षा रानी हियर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल. आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. इंपॉर्टेंट इस हिसाब से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन. क्वेश्चन नंबर वन, नेम द इंडियन सिटी विच हैज रिसीव्ड रिकॉग्निशन ऑफ द 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड. 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है इसको. इंडिया के एक सिटी का नाम बताना है. सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि देखो दुनिया की ना 51 और सिटीज ली गई हैं. दुनिया की 51 सिटीज टोटल हैं. इनमें से एक सिटी इंडिया की भी है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है ट्री सिटी के नाम से. तो ये किसने रिकॉग्नाइज किया है? यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे अर्बोर डे फाउंडेशन. इन दोनों ने मिलकर इसे रिकॉग्नाइज किया है. और इंडिया की कौन सी सिटी है? अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे. तो इंडिया की ये सिटी है हैदराबाद. तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद. किस लिए? क्योंकि इन्होंने अर्बन एरियाज में मेंटेन करे थे फॉरेस्ट, ग्रो भी करे थे और मेंटेन भी करे थे. आप बोलोगे जंगल क्यों नहीं अर्बन में, क्यों? क्योंकि सिटी है, सिटी सिटी में तो अर्बन एरिया ही होगा ना. तो वहां पे इन्होंने पौधों को ग्रो भी किया है और उनको मेंटेन भी किया है फॉरेस्ट को वहां के. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. When is the Soil Health Card Day observed in India? Soil Health Card Day कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर? आंसर इज 19th Feb. 19th Feb को क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि इसी डेट को 2015 को 19 फेब को ही इसे लॉन्च किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लोगों को अवेयरनेस दी जाए, इसके बेनिफिट्स बताए जाएं, इसलिए हर साल इसी डेट को ये डे मनाया जाता है. ये लॉन्च कहाँ पे हुई थी? सूरतगढ़ राजस्थान से इसे लॉन्च किया गया था सबसे पहले. पीएम मोदी ने खुद इसे लॉन्च किया था. तो इसका यह फायदा होता है कि जैसे किस किस जमीन के अंदर क्या चीज उगाई जा सकती है, कितने न्यूट्रिशन है कितनी नहीं है, सॉइल की पूरी पूरी हेल्थ मालूम चल जाती है इससे. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो एक बार इसका आंसर 19th Feb. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन नेवल डिफेंस एग्जीबिशन एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन. देखो दो डिफेंस एग्जीबिशन हो रही हैं अबू धाबी में. UAE में आता है ये अबू धाबी, UAE. यहाँ पे डिफेंस इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन भी हो रही है और नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन भी हो रही है 2021 वाले. तो बोले कि इंडिया का कौन सा शिप इसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो इंडिया का ये शिप है प्रलय. इसकी मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ. INS प्रलय, ओके, ये है. और ये जो एग्जीबिशन है ये 20 से लेके 25 तक चलेगी, 20 से लेके 25 फेब तक. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्लेयर हु हैज क्लिंच्ड वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप. तो इनका नाम है मनिका बत्रा. आपको अगर याद हो तो ये ऐसी प्लेयर हैं जिनको लास्ट ईयर 2020 में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है. तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है. इसमें कैश प्राइस 25 लाख मिलता है. पहले ये 7 लाख था, अब इसे बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है. और ये 2020 में मिला है इन्हें. टेबल टेनिस खेलती हैं ये. तो अभी जो जो न्यूज़ में होते हैं ना जो स्पोर्ट्स पर्सन, उनके बारे में पूछा जाता है अक्सर, तो ये क्वेश्चन भी बनता है. और ये हैदराबाद वाला जो क्वेश्चन है ना ट्री सिटी वाला, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की टोटल 51 सिटीज हैं, उनमें से इंडिया की सिर्फ एक आई और वो एक सिटी जरूर पूछी जाएगी क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, प्लांट्स से ट्रीज से रिलेटेड होती है जो चीज़, वो पक्का ही पूछी जाती है. तो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हो जाते हैं. ये इनकी तस्वीर है मनिका बत्रा जी की. तो क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका फास्ट बॉलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं. तो इनका नाम है धमिका प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following has first confirmed that NASA Perseverance rover safely landed on Mars? देखो कल के वीडियो में हमने देखा था कि नासा का एक Perseverance rover है जो मार्स के ऊपर लैंड कर चुका है. तो इसका क्वेश्चन ये है कि किन्होंने सबसे पहले कन्फर्म की ये बात कि वो नासा के ऊपर सेफली लैंड कर चुका है. तो इसका सही आंसर है स्वाति मोहन.
क्योंकि 2020 में जब इस मिशन मार्स मिशन को लॉन्च किया गया था ना, उस टाइम में इनकी टीम लीडर जो थी गाइडेंस के लिए वो यही थी। उस टाइम में ये गाइडेंस एंड कंट्रोल्स ऑपरेशंस को लीड कर रही थी नासा मार्स 2020 को, तो 2020 में ही इसको भेजा गया है। तो ये एक इंडियन अमेरिकन है और एरोस्पेस इंजीनियर है, डॉक्टर स्वाति मोहन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बीन फीचर्ड इन टाइम 100 नेक्स्ट 2021? राइट आंसर हियर इज 5। अब ये टाइम 100 नेक्स्ट क्या है? ये भाई एक मैगजीन है, 2019 से इसने शुरू किया है लोगों को पब्लिश करना। जो भी लोग अपने अपने फील्ड में मतलब राइज कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं अपने अपने फील्ड, जैसे पॉलिटिक्स में, एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में, या बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इन सब लोगों को इनके ये नाम फीचर करती हैं अपने इस पब्लिश करती है अपनी मैगजीन के अंदर। तो इस बार ये दुनिया के पूरे लोग लेती, टॉप 100 लोग लेती, तो 100 में से 5 लोग इसने इस बार इंडिया के लिए हैं। देखते हैं ये कौन कौन से लोग हैं। एक है विजय घाड़े, ट्विटर लॉयर हैं ये। ऋषि सुनक, यूके फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये। इंस्टाकार्ट फाउंडर एंड सीईओ अपूर्वा मेहता। गेट अस पीपीई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डॉक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता। एंड फाउंडर ऑफ नॉन प्रॉफिट अपसॉल्वेज, रोहन पवुलरे। ये 5 लोग हैं जिन्हें जिन्हें टाइम 100 नेक्स्ट में पब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। पूरी दुनिया में वर्ल्ड का पेंगोलिन डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं इसको? थर्ड थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। हर साल के थर्ड सैटरडे होता है जो फेब का, तब इसे सेलिब्रेट करते हैं, तब इसे मनाया जाता है। क्या क्या है पेंगोलिन? क्या है पेंगोलिन? एक स्पीशीज है, मैमल होते हैं ये, छोटे छोटे मैमल होते हैं चूहे की तरह, लेकिन इनकी जो स्कैल्प है थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब बड़ी कैरेटिन होती है इसकी स्कैल्प के ऊपर, जो इसकी देखो यहाँ पे आप, ये जो है ना ये वो स्केली है ये पूरी। तो माना जाता है कि जो चाइनीज लोग हैं ना वो मानते हैं कि इसके जो स्कैल्प है ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती है, इससे कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं, कैंसर तक ठीक होता है। तो इस करके काफी इसकी पोचिंग होती है, काफी इसकी ट्रैफिकिंग होती है ये, और इसकी वजह से ये जो स्पीशीज है हाईली इंडेंजर्ड हो चुकी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और थ्रेटेंड है। तो इंडिया के अंदर ये कहाँ पाई जाती है? विशाखापट्टनम में, साउथ इंडिया में, मतलब ये पाई जाती है थोड़ी थोड़ी। तो इसके खत्म होने से क्या नुकसान होगा? इसको बचाने के लिए ये डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। तो लेकिन इसे इसे बचाने का क्या है? अगर ये खत्म हो जाती है तो नुकसान क्या है? दरअसल ये जो स्पीशीज है ना ये पेस्ट वगैरह पे फीड करती है, एंट्स और जो एंट्स और टर्माइट्स होती हैं जो ऐसे फसलों को खराब करती है, और इन्वायरमेंट में भी मतलब अगर वो ज्यादा हो जाए तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है। तो ये उनपे फीड करती है, और अच्छी स्पीशीज है, हार्मलेस स्पीशीज है ये। और जो ये कहते हैं कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्च हो चुके हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है ये, सिर्फ पुराने टाइम की चली आ रही है चाइना के अंदर, उनको तो कुछ भी चाहिए खाने के लिए। तो ये स्पीशीज को बचाने के लिए पेंगोलिन डे से ऑब्जर्व किया जाता है, और थर्ड सैटरडे ऑफ फेब, इस बार भी ये थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी को ही ऑब्जर्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? सोशल जस्टिस का वर्ल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20 फरवरी को, 20 फेब को, ठीक है। और ये 2009 से मनाया जाता है। क्या हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, इन्होंने 2008 में इसे अडॉप्ट किया था कि हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो 2009 से इसे मनाना शुरू कर दिया इन्होंने। और इस बार की थीम क्या थी 2021 की? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि देखो सब लॉकडाउन के बाद हर इंसान ने डिजिटली मतलब अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू कर दी है। जो भी काम है, चाहे आप छोटी सी दुकान हो किसी की, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सब लोग अब डिजिटली अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। तो इसी तरह से इन्होंने बनाया कि डिजिटल इकोनॉमी में भी सबका योगदान हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए जिनके पास नहीं है। तो इसके लिए ये इस बार की थीम रखी गई थी, सोशल
तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.